very cheerful morning to my all lovely student hope you all will in being utilize your time learning new story okay let's grow through the poem the poem of this uh, this poem is written by robert burns he is very nice poet and the message of this poem is also very beautiful आई हैव ए penny टू स्पेंड There देर थैंक्स टू नो बॉडी आई हैव नथिंग टू लैंड आई विल बोरो फ्रॉम नो बॉडी पेनी मीन्स सिक्का जैसे हमारे यहाँ रुपया पैसा चलता है वहाँ पर क्या कहते थे उसको पेनी पेनी मीन्स ए स्मॉल ब्रिटिश कॉइन एंड यूनिट ऑफ मनी एक स्मॉल ब्रिटिश कॉइन है ब्रिटिश कॉइन ओके स्पेंड मीन्स खर्च करना देर थैंक्स थैंक्स में धन्यवाद देना नो बॉडी यानी कोई नहीं नथिंग मीन्स भी कुछ नहीं गिव गिव मनी टू समन ऑन कंडीशन डेट दे विल पे इट बेक आफ्टर सम टाइम किसी से मनी किसी को मनी देना ओके okay? उधार देना बोरो बोरो उधार लेना टेक मनी फ्रॉम सम वन ऑन कंडीशन डेट यू विल रिटर्न इट टू देम लेटर ओके इन दिस पोयम द पोइट अबाउट ए मैन हैज़ प्रोटोगस्ड करेक्टर and the द is इजाउ uh, and this poem is about a man who is satisfied in his life एक मैन के बारे में बता रहे हैं जो अपनी लाइफ से बहुत ही satisfied है ये revolutionary के time की बात है जब राजा का राज्य होता था और हर तरह के लोग होते थे इसमें ऐसे व्यक्ति की बात कही है जो बहुत ही गरीब है और अपनी लाइफ से क्या है satisfied है संतुष्ट है इन फर्स्ट स्टेंजा The poet wants to say a man have only one penny for spend, but he was satisfied. He is very, uh, he does not want to borrow from nobody and does not want to leave land from uh, nobody. He is very respective, man. He does not want to live a life of pomp and show. न तो किसी से पैसा उधार लेता है न किसी को पैसा उधार देता है इसलिए उसी किसी को भी थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है वो अपनी लाइफ से बहुत ही सेटिस्फाइड है इन द नेक्स्ट स्टेंजा आई हैव आई एम नो बॉडीज लॉर्ड आई विल बी स्लेव नो मो बॉडी आई हैव गुड ब्रूड वर्ड आई विल टेक ब्लोज फ्रॉम नो बॉडी लोड मीन्स मास्टर मालिक स्लेव मींस दास ए पर्सन हु इज ओन्ड बाय अनदर पर्सन एंड इज फोर्स टू वर्क फॉर द ओनर है ना अपने मालिक के लिए या किसी के लिए भी काम करना है ना फोर्स से आई हैव ए गुड ब्रूड स्वर्ड है ना एक बड़ी तलवार स्वर्ड मीन्स तलवार विल टेक ब्लोज ब्लोज मीन्स बी हर्ड यानी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता वह कहता है कि न तो कोई मेरा मास्टर है न मैं किसी का दास हूँ मेरे को मेरी रक्षा करने के लिए मेरी एक तलवार है जो मेरी रक्षा करेगी और मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता है ही ही सेज नो वन इज सुपीरियर देन अदर हैज़ ए ब्रूड फोवर्ड ही इट इज प्रोटेक्ट टू हिम सेल्फ ही विल बी हैप्पी एंड चेयरफुल ओके लास्ट स्टेंजा इट मीन्स थर्ड स्टेंजा आई विल बी मेरी आई विल बी मेरी एंड फ्री आई विल बी सेड फॉर नो बॉडी नो बॉडी केयर्स फॉर मी आई केयर फॉर नो बॉडी आई विल बी मेरी मेरी मीन्स खुश होना मेरी एंड फ्री यानी हैप्पी एंड चेयरफुल सेड मीन्स दुखी होना केयर्स मींस देखभाल करना वह कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ है ना मैं किसी किसी भी बात से कोई दुखी नहीं हूँ न तो मैं किसी की देखभाल करता हूँ और न ही कोई मेरी देखभाल करता है दिस पोएम गिव द गिव मैसेज एक्चुअली द पर्सन फ्री मैन वॉन्ट्स एवरी क्रिएचर या एवरी पर्सन शुड लिव पीसफुल सेटिस्फाइड इंडिपेंडेंट एंड कंटेंटेड लाइफ वाइल वी शुड नॉट लिव द लाइफ ऑफ पोम एंड शो मतलब वो कह रहा है कि हर व्यक्ति को हर क्रिएचर को हर पर्सन को कैसा रहना चाहिए सेटिस्फाइड संतुष्ट पीसफुल शांतिपूर्वक इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भर है ना एंड बिल्कुल सेटिस्फाइड अपनी लाइफ के अंदर और उसको दिखावे के लिए है ना अपनी लाइफ को नहीं जीना चाहिए है ना अपनी लाइफ को जीने के लिए उसको सेटिस्फाइड होना चाहिए ओके थैंक यू हैवे नाइस डे आई होप दिस वीडियो हेल्प यू understand poem stay home and keep learning